नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कौर है। मैंने ग्रेजुएशन भाषा और अर्थशास्त्र में किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिले की विशेषता है कि यहाँ पर अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और मेरा जिला अपने घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक पाठशाला नोकीलाल खेड़ा है। मैं यहाँ पर प्रधान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 46 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कि सभी ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी समस्या यह थी कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए और ताकि वे अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें। उनको ठीक से समझाने और पढ़ाने में मुझे विशेष गतिविधियों की आवश्यकता थी ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सके। मैंने जब अरविंद सोसाइटी के ZII का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि बिना पैसों के भी शिक्षण कार्य को नए ढंग से किया जा सकता है, नए नए नवाचार किए जा सकते हैं और शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण में मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया और शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में किस तरह से शामिल किया जाए ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सके, इसका भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण में मुझे बहुत फायदा मिला। जो चीजें मेरे दिल में थी, मेरे दिमाग में थी, उनको एक नई दिशा मिली कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, नए नए नवाचार किस प्रकार से करें और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार प्रदान करें, क्योंकि कोविड के समय में बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण के दौरान हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नए तरीकों जानकारी प्राप्त और क्विज और कैसे क्विज नई नई क्विज बना के हम बच्चों को पाठ को सरल से कठिन की ओर पहुंचा के उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान हुआ। श्री भूपेंद्र सर जिन्होंने कि हमें ये प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने हमें कई नए नए आइडियाज दिए ताकि हम अपने शिक्षण को सुधार सके और नए नए नवाचार करके शिक्षण को प्रभावी बना सके। मैंने समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया कि जूम को कैसे इस्तेमाल करके हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हम नए नए वीडियोस और कार्यक्रम बना के बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। इस कोविड के दौरान हमने बच्चों को इस माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों को कम लोग बच्चों को बुलाकर उनको विद्यालय में जो है अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उनको होमवर्क आदि देकर पाठ को समझाने का प्रयास किया ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है, क्यों हमारे यहाँ बच्चों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करी है और उसको प्राप्त भी किया है। बच्चों ने अपने पाठ को समझने में अधिक से अधिक कोशिशें करी हैं ताकि वह सीखने और पढ़ने की कला में पारंगत हो सके। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है क्योंकि मेरे विद्यालय के बच्चे कक्षा 2 से लेकर 5 तक के सभी बच्चे अपने पाठ को पढ़ने व समझने में सक्षम और लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे थे। मेरे विद्यालय में बच्चे प्रसन्नता पूर्वक आते हैं और पाठ को पढ़ने और पाठ के अतिरिक्त को करिकुलर एक्टिविटीज में भी खुशी से शामिल होते हैं और विद्यालय को आनंद में होकर विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते हैं।
और पढ़ने में मन लगाते हैं। वह श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह श्रेय प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।